क्या आप जानते हैं हिंदू शाही राजवंश के शासक राजा जयपाल को हराने वाले महमूद गजनवी पर पहला हमला मेवातियों ने ही किया था। दिल्ली के ताकतवर सुल्तान महमूद गजनवी पर 1025 ईस्वी में किया गया हमला मेवातियों का पहला हमला था। इससे पहले मेवातियों ने किसी भी शासक के खिलाफ हमला या विद्रोह नहीं किया था। 1256 ईस्वी में मेवातियों ने दिल्ली सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन पर कई हमले कर उसके बहुत सारे सैनिक मार गिराए थे। मेवातियों की वीरता और साहस से दुखी होकर सुल्तान बलबन ने जिंदा मेव पकड़ने पर 12 टका और मुर्दा मेव पकड़ने पर 2 टके का इनाम रखा था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मेव कौम भारत के इतिहास की एकमात्र ऐसी कौम है जिसके लोगों पर किसी शासक ने जिंदा या मुर्दा का इनाम रखा हो। मेवातियों ने मुस्लिम होने के बावजूद विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों पर बार बार हमले कर देशभक्ति का सबूत दिया था। पानीपत की पहली लड़ाई में मेवातियों ने अलावल खां मेवाती के नेतृत्व में राजपूत शासक संग्राम सिंह का डटकर साथ दिया था। मुगल शासक बाबर, अकबर और औरंगजेब के खिलाफ मेवातियों की वीरगाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। मेवातियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई लसवाड़ी की लड़ाई में मेव छापामारों ने अंग्रेजों पर अचानक से हमला कर अंग्रेजों की सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था, जिससे अंग्रेजों ने नाराज होकर 1806 ईस्वी में मेवातियों पर सेना की चढ़ाई कर दी थी। इस लड़ाई में मौलाना एवज खां के नेतृत्व में मेवातियों ने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित कर दिया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी किताब विकास की उड़ान अभी बाकी है में लिखा कि 1857 की जो क्रांति बैरकपुर से शुरू हुई थी वो 12 मई को ही मेवात पहुँच गई थी, जहाँ हरियाणा में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए। बहुत कम लोग जानते होंगे कि 13 मई 1857 को ही मेवातियों ने मुफ्ती सदरुद्दीन के नेतृत्व में अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था। 1857 की विफलता के बाद मेवातियों को अंग्रेजों की बदले की भावना का शिकार होना पड़ा था। हजारों मेव आमने सामने की लड़ाई में शहीद हो गए थे। हजारों लोगों को फांसी पर लटकाया गया था। बहुत से मेवातियों को जेलों की लंबी लंबी सजाएं दी गई थी। जमीनों की जब्ती और भारी जुर्माने ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। अंग्रेजों ने 42 मेवाती गांवों को आग लगाकर बर्बाद कर दिया था, जिसका रिकॉर्ड गुड़गांव के गजटियर रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मेवातियों के विद्रोह और सैन्य बगावत को देखते हुए मेवातियों की सेना भर्ती पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ये दुनिया का पहला मामला था कि किसी कौम पर सेना भर्ती के लिए नौकरी पर बैन लगी हो, लेकिन इतने जुल्म होने के बावजूद मेवातियों ने देखो और इंतजार करो की नीति अपनाई हुई थी। जब अंग्रेजों के जुल्म मेवातियों पर बढ़ते ही गए तो उन्होंने एक सेना तैयार करके अंग्रेजों को कोलानी और धमूकड़ की लड़ाई में पूरी तरह पराजित किया था, जिससे मेवातियों पर जुल्म खत्म हो गए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज़ाद हिंद फौज के सेकंड लेफ्टिनेंट मंगल खान मेवाती सुभाष चंद्र बोस की फौज के सेक्रेट एजेंसी के इंचार्ज भी थे। सुभाष चंद्र बोस के कहने पर आज़ाद हिंद फौज ने जब समर्पण किया तो 36,000 की इस फौज में से 16 लोगों को जगरकच्छा की जेल में बंद कर दिया गया था। इन 16 लोगों में मंगल खान मेवाती भी मौजूद थे, जिसका फैसला 11 ब्रिटिश जजों की बेंच ने किया था। मंगल खान उन 16 लोगों में से थे जिनकी सुनवाई ब्रिटिश हुकूमत ने लाल किले में की थी। 1914 में हुए प्रथम विश्व युद्ध में मेवातियों पर लगा सेना भर्ती बैन अंग्रेजों ने हटा लिया था। 1922 और 1930 के गांधीजी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में मेवातियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 1939 में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह में मेवातियों ने अब्दुल हई के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब्दुल हई मेवाती ने अपने भाषणों से मेवातियों में जोश भर दिया था, जिससे नाराज होकर अंग्रेजों द्वारा अब्दुल हई को जेल में डाल दिया गया था। देश के लिए हमेशा से बलिदान देने वाले मेवाती गांधी जी ने घासेड़ा के गुज्जरबाड़ा में पंचायत करके पाकिस्तान जाने से रोके थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि मेव कौम हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। इतने बड़े बलिदान के बावजूद मेवात के लिए हुकूमत ने विकास के कोई कार्य नहीं कराए। यहाँ तक कि अंग्रेजों को माफीनामा लिखने वाले और अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले असामाजिक संगठन आज मेवातियों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं और देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। समाज सेवियों के लंबे प्रयासों के बावजूद मेवात के साथ शिक्षा स्तर में सबसे ज्यादा भेदभाव किया गया है। वर्तमान में स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है और ना ही भविष्य में इसकी हालात में सुधार का कोई आसरा नजर आता है। पढ़ाई लिखाई और रोजगार की बेहतर स्थिति ना होने के कारण मेव कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजनेताओं का पिछलग्गू बन गया है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार मीडिया है। कुछ सोशल वर्कर्स के प्रयासों से अब थोड़ा सुधार हुआ है,
हरियाणा में लिंग अनुपात में प्रथम मेवात बेटी बचाओ मुहिम पर खरा उतरा है। इसको खबर बनाने की बजाय दलाल मीडिया ने चंद गौकसी गैंग को ज्यादा महत्व दिया है। कुछ दिन पहले ही गोकसी को लेकर मेवात के आलिमों पंच सरपंचों के गांव जखापुर में पंचायत कर गोकसी पर 21,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसको दलाल मीडिया ने अपनी खबरों में जगह नहीं दी थी। हाल ही में अंग्रेजों के चापलूस रहे दलों ने मेवात में भाईचारे को खराब करने की असफल कोशिश की थी, जबकि मेवात में आज तक दंगा नहीं हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।